मेरे लिए नई बात नहीं है इसी के वजह से आपको याद होगा कि 2009 में उन्हीं के पार्टी में मैं प्रत्याशी थी और पार्टी में होते हुए भी पार्टी के जो आदरणीय मोदी जी और अखिलेश कोई मुझे समर्थन नहीं किया था जब मेरे ऊपर इस तरह की टिप्पणी आजम खान साहब को ये आदत है आदत से मजबूर है ये अगर ये नहीं करता है तो ये नई बात होगी लेकिन बात यह है कि इसके स्तर किस तरह का गिर गया है कि यह संविधान को लोकतंत्र के ऊपर दर्जा उड़ा रहे कि ये कभी सुधरेगा नहीं है कि मैं एक महिला को हम लोग इसको रिपीट भी नहीं कर सकते इसको वापस हम ये ये टिप्पणी किया करके हम मुंह से बोल भी नहीं सकते हैं उस तरह की जबान इन्होंने इस्तेमाल किया है इस बार तो मतलब हद पार कर दिया अब मेरा क्षमता खत्म अब मेरे लिए वो कभी भी भाई नहीं है कुछ भी नहीं है वो हमारे लिए इतना दुश्मनी बना दिया पता नहीं मैंने उनके लिए क्या किया मैंने ऐसे कौन सी बात कर दिया कि वो इस तरह की टिप्पणी कर रहा है लेकिन उसके ऊपर एफ भी हुआ है तो इसका मतलब यह है कि यह जनता तक पहुंचा है और इसको छोड़ेंगे नए लोग और मैं चाहती हूं कि इसका इसका चुनाव तो मतलब इसका चुनाव नहीं होना चाहिए इसको चुनाव से इसको रद्द करना चाहिए क्योंकि ये आदमी ऐसा है कि ये अगर चुनाव जीत गया तो लोकतंत्र क्या होगा महिलाओं के समाज महिलाओं के स्थान भी नहीं मिलेगा महिलाओं की रक्षा नहीं है तो हम जाएंगे कहाँ क्या मैं मर जाऊं तब आप लोगों को तसली होगा या मैं यहां से चले जाऊंगी आप लोग सोच रहे होंगे मैं रामपुर छोड़ूंगी अभी मैं डर के मैं इसके टिप्पणी को मैं डर, डर के मैं यहां से चली जाऊंगी नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी अब मैं डट के रहूंगी चुनाव लड़ूंगी आप आजम खान साहब आप सुनो मैं तुमको हार के रहूंगी और मैं हारने के बाद मैं मैं जयप्रदा क्या है जनता बोल रही है जनता उखड़ रही है जनता में आक्रोश है आप इस तरह का बयान करते हो क्या आपके घर में माँ नहीं है आपके घर में बहू नहीं है आपके बहू के साथ इस तरह करते हो आपके बीवी के साथ इस तरह के बयान